ये बचा है रात का साग, और जो मतलब थोड़ा मैंने सब्जी के लिए बचा दिया खाने के लिए, और थोड़ा मैंने यहाँ देखिए आटे में गूंद दिया है। इसकी पराठे बन जाएंगे बढ़िया, वरना ये वेस्टेज हो जाता। और यहाँ पर काट रखी है मैंने, यहाँ पर काटी है मैंने मूली के पत्ते, और अभी काटूंगी मैं ये राई के पत्ते। फ्रिज में रख कर ये थोड़े गल गए, ख़राब हो गए, जो ख़राब है वो निकाल दूंगी। बाकी खाने की अभी कुछ शुरुआत नहीं हुई है नाश्ते की, और आपको पता ही है मेरे साथ छोटा बच्चा है तो ये थोड़ा परेशान करता है, इसका भी ध्यान रखना पड़ता है। और साथ में ये देखो मेरे पैर छू रहा है। जीते रहो मेरे बेटा, आशीर्वाद। मेरा बेटा पढ़ाई कर रहा है, अपने डैडी की डायरियां खराब कर रहा है। दिखाओ तो बेटा अपनी एक्टिविटी। वाह, आपने तो बहुत अच्छा अच्छा लिखा है बेटू। और पेन पकड़ने का स्टाइल देखो मेरे बेटे का, कितने अच्छे से पेन पकड़ रहा है ये तो। हे बेबी, बस बेटे यहाँ पे तो हिसाब लिखा हुआ है, डैडा का हिसाब है यहाँ पर, यहाँ मत करो, इतना बहुत है बेटा। देखिए ये बनाई है मैंने हरी सब्जी, मूली राई की, और यह है साग, और यह है मट्ठा, गुड़ एंड पालक की रोटी। और ये देते हैं हम अपने हस्बैंड को नाश्ते में। मैं जा रही हूँ मार्केट के लिए थ्रेडिंग बनाने के लिए, और भी काम है मेरे। बाबू सो रखा है, नयन घर में है इसलिए बाबू को घर में छोड़ दिया है, और अब चलते हैं। नमस्ते, हो गया मेरा सूट? अच्छा अच्छा, सूट आपको तुरपाई को जा रहा था। अच्छा, और कुर्ती? कुर्ती नहीं हुई अभी, उसके ना चाक से कम रखना मतलब। अब जाऊंगी नरेन के फोटो बनवाने के लिए, देने के लिए, उनके फोटो देने हैं, पासपोर्ट साइज के फोटो, 6-7 फोटो थे बनाने के लिए। अब देखते हैं कौन सी दुकान में देती हूँ, पर दे देती हूँ फोटो बनाने के लिए। दे रहा था, बन जाएंगे पासपोर्ट साइज फोटो? हाँ, बन जाएगा। मैं जा रही हूँ थ्रेडिंग बनाने के लिए पार्लर में। हो गई है थ्रेडिंग, सेल में आए हैं। मात्र 5 रुपए में सेल है ये। मेरे को क्या लेना था मैं तो भूल ही गई, कप भी लेने थे लेकिन चलो कप बाद में लेंगे, कुछ और देखते हैं। न्यू में ये प्यारा सा चश्मा देखो, कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा। खड़े हो तो चलो बेटा। तो के मार्केट से आने के बाद बनाया मैंने खाना, एक कुकर में रखा है दाल और इसमें रखा है चावल, फटाफट बना दिया छोंक छाक कर। अब आने वाले हैं नरेन के लिए, नरेन के बुआ के बेटे आने वाले हैं खाने के लिए, तब मैंने रखा है दाल और चावल। अभी मार्केट से आई तब तक बाबू उठ गया था, अभी कल के पड़े थे ऊपर कपड़े वो भी लेकर आई हूँ, अभी मशीन लगाने के लिए है और कपड़े भी पड़े हुए हैं, अब इनकी तह लगाती हूँ। ये कपड़े हैं रखे हुए, मैं थक जाती हूँ यार, ऐसा मन करता है ना कि बिस्तर में ही रहूं, कुछ ना करूं, परेशान हो जाती हूँ, दिन रात वही काम काम काम, कभी यहाँ से करो कभी वहां से करो। अब ये भी पड़े हैं कपड़े, वो भी पड़े हैं कपड़े, ये देखो निकाल दिया एक पैर का तो निकाल दिया, और एक के लिए निकाल रहा है। देखो बेटा क्या हो गया है, एक सॉक्स इसका यहाँ पड़ा हुआ है और एक सॉक्स
पैर में, और लकड़ी की काठी पे नाच रहा था। लकड़ी की काठी बनाना है तो इधर से काम ही करने दे बिल्कुल। मैं कर रही हूँ अपनी मशीन ठीक। मैं सिलाई कर रही थी तो वो धागा तोड़ रही थी कि मतलब धागा नीचे से ख़राब कर रही थी ना, तब फिर मैं उसके ये पार्ट्स का नाम तो मुझे याद नहीं है, मतलब चाल बोलते हैं क्या बोलते हैं मुझे नहीं पता, मतलब मैं इसको नट नट निकाल के फिर ठीक कर रही हूँ। और ये पीछे से वीडियो बना रहे हैं हस्बैंड। और फिर आज सोचा कि सिलाई कर लेते हैं, मम्मी ने जो वो कवर दिए थे फिर उसके बाहर से कवर बनाने थे, तो फिर मैंने दो कवर बनाए। बहुत देर तक तो यही मशीन ठीक करी और फिर उसके बाद सिलाई करना स्टार्ट करा। और उनकी मैं कपड़े नहीं सिलू, क्या कर रहा है इससे, इससे क्या कर रहा है? मैं टाइम पर दुकान पहुंच जाऊंगा, आप मेरी चिंता मत कीजिए। तो कुछ क्या कराइए है? देखो इसमें क्या कराया, इसका हाथ देखो, देखो क्या कराया इसने, इसका हाथ क्या करा बेटा? अमो इधर आ जरा, ए बाबू, अम्मो सुन तो, इधर आ जरा, ले इधर आ, इधर आ, इधर आ। क्या करा ये, क्यों करो ये, क्यों करो ये, क्यों करो? तुमको अभी कह रहा हूँ कि मेरे लिए खाना बना के लेके आओ। इसकी इस फोटो का क्या करा आपने, क्यों खा रही इसको, छोड़ इसको। दे दो उसको, दे दो। खुश हो रहा है दोस्तों। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। बाय बाय। इनमें बताया था ना आपको कि इनके भाई आने वाले थे, नरेंद्र के भाई आने वाले थे, और फिर मैंने इनके दाल चावल बनाए थे, लेकिन फिर वो आया नहीं, पता नहीं क्या हुआ करके। एक ही लड़का है जी वीडियो इन्हें बनाने देता, फिर उसके बाद में वो आया नहीं। फिर खाना अभी भी हमारा बचा हुआ है, मैं अभी आपको दिखाती हूँ कि कितना खाना बच रखा है। अगर ये वीडियो कभी तुम देख रहे हो तो मैं बहुत गुस्सा हूँ सच में। मेरे को अगर खाना इतना सा भी वेस्ट होता है ना, मेरे को बहुत गुस्सा आती है, बहुत ही ज्यादा। ये देखिए दाल, इसमें इतनी दाल है बची हुई, दाल खा लेता हूं मैं, दाल सुबह के लिए खराब हो जाएगी। और देखो सब्जी कितनी है, और इस चावल भी है डले हुए, वो सॉरी पड़े हुए। और अच्छा हुआ मैंने आटा नहीं गूंदा था, अगले बार से अगर कोई आएगा ना तो श्योर होगा तभी बोलना मुझे खाना बनाने के लिए, वरना मैं नहीं बनाऊंगी खाना, समझ रहे हो? और वरना मैं आपके लिए भी नहीं बनाऊंगी। अब अगर आपने क्या बोल रहे, मैं नहीं बनाती आपके लिए खाना, दिन में क्यों नहीं बनाती मैं खाना, कैसी बातें करते हो यार आप, एक टाइम खाना चाहिए बोलते हो। हाँ एक, हो माय गॉड कितनी झूठी बातें बोलते हो, हद नहीं कर रहे आप। मैंने कब बोला आपको कि आप मोटे हो रहे हो, आप अगर कुछ नहीं यार, बाय।